नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ डेरी जैसा पनीर। घर में कैसे बनाते हैं वो मैं बताने वाली हूँ आज। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी। तो इस पनीर से आप सब कुछ बना के खा सकते हैं, शाही पनीर, पनीर पराठा, बटर पनीर, बहुत सारे डिशेस बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैं दूध ली हूँ, मेरा दूध मलाई निकाला हुआ है, फ्रिज का दूध था, मैं उसी से आज मैं बना के बता रही हूँ। तो अब इसको मैं गैस पर रख के अब इसको बॉयल करूँगी। एक बॉयल आने तक इसे बॉयल करना है, तब तक मैं इसमें ये देखिए किस चीज़ से मैं इसको पनीर बना रही हूँ। तो ये फिटकरी है, फिटकरी आप जानते होंगे मार्केट में मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसी से मैं इसको दूध को पनीर को फाड़ूंगी। तो इसको मैं छोटा छोटा टुकड़ा कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं खा ली हूँ, कलवट्टे में मैं इसको छोटा छोटा इसको इस तरह से कर दे रहे हैं, दरदरा हो जाएगा। तो फिर इसको मैं पानी में डालूँगी। तो देखिए ये मेरा हो गया, ये दूध भी मेरा एक बॉयल आ गया है दूध में, और ये मैं पानी में मैं डाल दे रही हूँ इसको, और इस तरह से डाल दूँगी। डालने के बाद ये गुनगुने पानी में मैं डाली हूँ, ध्यान रहे। तो इसको देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है, और ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके ये दूध के ऊपर डालेंगे। और दूध में बॉयल आ गया है, तब तक ये क्या करेंगे, दूध बंद कर देंगे, गैस के फ्लेम बंद करने देना है, तब डालना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो ऐसे चलाते रहना है और धीरे धीरे करके इसे डालना है। देखिए धीरे धीरे साइड साइड से ना फटने लगा हमारा दूध। तो इस तरह से डालते रहना है, तो सभी को हम डाल देंगे, जितना जो मैं फिटकरी का पानी मेरा था। वही देखिए मेरा कितना अच्छा फट गया ना। तो अब इसको फाड़ लिए हैं, अब इसको छान लेंगे। तो मैंने छलनी लिया है और कॉटन कपड़े से इसको ढक दिया है, और ये ढक के इसके ऊपर फिर मैं ये जो पनीर है ना उसको इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। तो इस तरह से इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह से सारे पनीर को मैं डाल लेती हूँ इसमें। तो देखिए हमारा हो गया इसमें ट्रांसफ़र। अब क्या करेंगे, इसमें ठंडा पानी डालेंगे, नॉर्मल ठंडा पानी लेना है। और इसको ये क्या करेंगे, इसलिए इसको दो बार तीन बार पानी से धो लेना है, जो हमारा वो फिटकरी है ना, वो कड़वाहट उसका जो है वो निकल जाएगा। नींबू से भी आप फाड़ सकते हैं, तो लेकिन इसे बहुत सॉफ्ट बनता है। आप एक बार ज़रूर इसे फिटकरी से, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है कहीं भी, तो इसे फाड़िएगा, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी पनीर बनता है इससे। तो मैं तो हमेशा इसी से बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको भी बताई इसी तरह से अपने तरीके से। तो देखिए इस तरह से पानी इसका निकाल देंगे, निचोड़ देंगे। और निचोड़ने के बाद ये देखिए कपड़े को इस तरह से फैला लेंगे। फैलाने के बाद कोई भी मतलब ये भारी जो होगा ना बर्तन में पानी ले लेंगे, चाहे जो भी आपके पास हो कोई भी भारी, उस पर रख के हम इसको ना अच्छे से प्रेस कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से डेरी जैसा पनीर बन सके, उसके लिए इसको किया जाता है। तो देखिए मैं तो इस तरह से रख के, और बर्तन में मैं पानी ली हूँ, और पानी पानी रख के इसको इस तरह से हम रख देंगे उसके नीचे। तो नीचे पनीर है, ऊपर से मैंने पानी रख दिया, और रख देंगे 10-15 मिनट में हो जाता है। तो हमारा 10 मिनट हो चुका है, अब इसको निकाल लूँगी। देखिए कितने अच्छे से पानी भी इसमें से निकल गया है, और हमारा पनीर इतना अच्छे से जम भी गया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में जिस तरह से कट करना है हम काट सकते हैं। तो देखिए हमारा पनीर कितना आसानी से जम गया, मेरे तरह आप भी जमा सकते हैं बहुत आसानी से। बाज़ार से तो हम लाते हैं, उसमें इतना फ्रेश रहता है, फ्रेश भी नहीं रहता है, मिलावट भी दुनिया भर का रहता है, तो हम क्यों ना घर में बना के खाए। इतना फ्रेश देखिए, शुद्ध और फ्रेश पनीर घर में बन जाता है कितना आसानी से, और स्पॉन्जी तो बहुत होता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।